भाई महिलाएं तो इज्जत तार तार को तार तार है, बहुत आसान चीज है, इजी टारगेट है महिलाएं, बहुत आराम से इज्जत ले लो महिलाओं को। बंद कमरे में 10 मर्दों के साथ मीटिंग करके अकेली महिला जब बाहर निकलती है तो समाज उसको किस निगाह से देखता है आपको समझ में आता है? हमें समझ में आता है, हम झेलते हैं वो दर्द। महिला ने ऐसा कर दिया तो हाय तौबा मचा के पूरे देश में आग लगी पड़ी है। ये पहले आप मुझे जवाब दीजिए, ये कहाँ से सही है? एक ही देश में दो तरह की नीतियाँ, पुरुष के लिए अलग और महिला के लिए अलग। अरे भाई जीवन है, मतलब आलोक कुमार जो है वो पत्नी को पढ़ा लिखा के SDM बना दी, बहुत बड़ा गलती कर। एक कोशिश महिला विकास मंच करेगी, हम कोशिश करेंगे ज्योति मौर्या से मिलने का और वस्तु स्थिति को जानेंगे, उसके बाद आपको जरूर बताएंगे कि क्या रहा होगा। घटना जो जिस तरीके से SDM ज्योति पे आरोप लग रहे हैं कि शादी के बाद वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का उल्लंघन किए, ठीक है, ये एक बयान लग रहा है। लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी कह रहा है कि महिलाओं को भी अधिकार है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 200 गुना भी रख सकती है, ऐसा बयान महिलाएं ही दे रही हैं, कैसे देखती हैं आप इस पूरे प्रकरण को? देखिए आप मुझे ये बताइए, आप लोग सभी मीडिया कर्मी से हम पूछते हैं, क्या ये पहला इतिहास हुआ इस तरह का? क्या इसके पहले ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है किसी के जीवन में? अगर कोई IAS IPS नेता अभिनेता या मंत्री एक बीबी के होते हुए दो दो तीन तीन बीबियां रखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आला अधिकारी DM लोगों की भी बात देख लीजिए, अभी हाल में ही DM प्रकरण चला, उन्होंने भी तलाक देकर दूसरी शादी कर ली, तो तब तो कोई मीडिया वाले आप लोग नहीं आते हैं कि ये DM ने ऐसा कर लिया, एक महिला को छोड़ दिया, पुरुष को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। पुरुष को क्या अधिकार मिला हुआ है दो दो तीन तीन शादी करने का? और एक महिला ने ऐसा कर दिया तो हाय तौबा मचा के पूरे देश में आग लगी पड़ी है। ये पहले आप मुझे जवाब दीजिए, ये कहाँ से सही है? एक ही देश में दो तरह की नीतियाँ, पुरुष के लिए अलग और महिला के लिए अलग। अरे भाई जीवन है, अगर मन नहीं भरा पुरुष का तो उसने दूसरी शादी कर ली, उसी तरह महिला को भी अगर मान लीजिए क्या अंदर उसके साथ बीता, क्या नहीं बीता, क्या मेंटल मैच नहीं हुआ, और अगर वो डिवोर्स देके उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहती है तो वो इतना हाई, तो कभी आपने ये सोचा कि वो पति जो एक शब्द एक पल नहीं सोचा अपनी पत्नी को सड़क पे उतारते हुए, वो अकेले कितना टॉर्चर करता होगा? हम लोग ये चीज़ झेले हैं, पर्सनली मैं झेली हूँ, इसलिए मुझे समझ में आता है कि कैसी वस्तु स्थिति से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आलोक मौर्य का सीधा बयान ये है कि उनके परिवार वाले मतलब ससुराल पक्ष वाले उनसे जान से मारने की धमकी, जॉब को खा जाना और तमाम तरह की। देखिए लड़ाइयाँ जब छिड़ती हैं तो बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, झूठे भी लगते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला जब आता है तो कुछ सच कुछ झूठ चलता रहता है। अब इसमें ना तो आपने देखा भाई कि आरोप लगाया या धमकी सच्ची है या झूठी, ना हमने देखा ना न्यायालय ने देखा, गवाह के मुताबिक ही उस पर डिसीजन होगा, और उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है आलोक को। आलोक ने के साथ थोड़ा बुरा हुआ है, इस बात से हमारी सहमति है, लेकिन ये पहला इतिहास नहीं है इस धरती का जिसपे इतना ज्यादा हम लोग हाय तौमो मचाए। कमांडेंट मनीष दुबे जो अफेयर में है, क्या उनके लिए क्या कहेंगे? ये कैसे आप कह सकते हैं कि अफेयर में है, दोस्त नहीं हो सकता क्या? एक साथ में काम करने वाले लोग दोस्त नहीं हो सकते? साथ में कॉफी नहीं पी सकते? बंद कमरे में एक लड़की, मैं अपनी बताती हूँ बाकी की छोड़ दीजिए, जब हम बंद कमरे में 10 मर्दों के साथ मीटिंग करके अकेली महिला जब बाहर निकलती है तो समाज उसको किस निगाह से देखता है आपको समझ में आता है? हमें समझ में आता है, हम झेलते हैं वो दर्द कि किस तरह। अगर उसी बंद कमरे में 10 महिलाओं के साथ एक पुरुष मीटिंग करके निकलता है बाहर, तब तो समाज की नजर नहीं उठती है। मतलब आलोक कुमार जो है वो पत्नी को पढ़ा लिखा के SDM बना दी, बहुत बड़ा गलती कर। नहीं नहीं बिल्कुल गलत नहीं किया है, मैं इस पे जवाब देती हूँ। आप उतारे आलोक मौर्य ने पढ़ा लिखा के गल, ये भी तो हो सकता है। आलोक कुमार जब वो देखा अपनी पत्नी को लाया वो पढ़ने में, ये मैं बस स्टोरी कह रही हूँ, इट्स शुड बी पॉसिबल कि वो ऐसी लड़की को देखा ये पढ़ने में अच्छी है, चलो इस पे हम लगाएं, वो अपना करियर उस पे देख रहा होगा, साथ साथ शक शक भी करता होगा, वो इतना आगे, वो आज शक इतना बड़ा नासूर बन के। चैट जो वायरल हुआ क्या ये पढ़ी है भाई? चैट में क्या था? आई लव यू था ना। अब ये बताइए आई लव यू लिखने से ये कहाँ साबित होता है कि हमारा कैरेक्टर खराब है? हम तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं, फ्रेंडशिप डे के दिन जब मैसेज आता है दोस्तों का, लड़के दोस्त की बात करते हैं, आई लव यू कैसे हो, डियर मैन, कोई पति बर्दाश्त करेगा इस चीज को? नहीं करेगा। तो क्या पति पति को पत्नी को नंगा कर देना चाहिए रोड पे? अरे इज्जत की बात है, प्यार से बांधो। मान लीजिए कोई गलती हुई
ये क्या मतलब है? ये इसका इज्जत का तार तार बना दिया, छोटी सी गलती, तुमने आँख से तो कभी उसको देखा नहीं। अगर तुम पत्नी से प्यार करते हो तो उसको नंगा नहीं करते। मानवी जी, ये पूरा खेल जो है मेल ईगो का है। मेल ईगो डेफिनेटली। अभी मैं कल भी डुमराव में मैं बाइट दे रही थी, वहाँ सभी मेल ने ये बात एक्सेप्ट किया। आप देखिएगा कि हाँ 90% केसेस में मेल ईगो क्रैश करता है, 10% ऐसे उदार दिल वाले पुरुष होते हैं जो महिलाओं की तरक्की बर्दाश्त करते हैं। लेकिन लोगों का तो सहमति आलोक मेहरा पे है, ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि आलोक मेहरा जरूर पढ़ाएंगे, वो 10% वाले जो बचे हुए हैं पति हैं वो जरूर पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, इतना बड़ा घटना हुई। एक महिला अगर देश में ये की भी गलत की तो उससे पूरे देश की महिला को आप जज करेंगे? ये आप मीडिया कर्मी जितने भी लोग हैं उनसे एक सवाल है, ये एक महिला अगर वो गलत है तो, वो अगर गलत है तो उससे पूरे देश की महिला गलत हुई। ऐसे कितने रेपिस्ट पुरुष हैं, तो क्या उससे सारे पुरुष रेपिस्ट कहलाते हैं? लेकिन फिर कोई एक महिला की तो क्यों आप उसको हर एक महिला को गलत कर रहे हैं, हर एक महिला के साथ गलत करने कह रहे हैं? जब केस लाइमलाइट में आता है तो प्रेरणा भी लोग वहीं से लेते हैं। रेप करने वाला तो हजार केस लाइमलाइट पे आया है, क्यों नहीं मानते हैं कि हर पुरुष रेपिस्ट है? लेकिन एक सवाल है, उनको क्वालिटी की बात करें तो क्या एक महिला के साथ यदि इस तरह से वारदात होता है तो उसके ऊपर में इल्जाम पुरुष के ऊपर में बहुत ज्यादा लगता है और एकदम तुल पकड़ लेता है, और महिला के ऊपर में यदि इस तरह से बात है क्या लग रहा है? देखिए, अब वो लोग का मामला तो बहुत न्यायिक भी चला गया है ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ का। इसी तरह आपके बिहार में कुछ दिन पहले एक डीएम का मामला आया था, तो उसमें भी मामला ऐसे ही हाईलाइट हुआ। डीएम साहब कभी मीडिया में नजर नहीं आए, लेकिन उनकी बीबी का इज्जत तार तार हो गया। भाई, महिलाएं तो इज्जत तार तार को तार तार बहुत आसान चीज है, इजी टारगेट है। महिलाएं बहुत आराम से इज्जत ले लो महिलाओं की, पुरुष की इज्जत थोड़ी जाती है, और ना आप लोग लेने पहुंचते हो पुरुष की इज्जत। आपको क्या लगता है मैम, ज्योति मौर्या की गलती नहीं है क्या? ज्योति मौर्य की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने अपने पति का साथ छोड़ा, लेकिन किस परिस्थिति में छोड़ा ये भी तो सोचने के सोचना पड़ेगा ना हम लोगों को। पर कोई महिला दुनिया में ऐसी नहीं होती कि शौक से। ये गलती नहीं मैडम, जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि गलत संबंध बनाया दूसरे के साथ संबंध है, ये आरोप है। अच्छा, आरोप तो है। अगर ये नहीं, एक मिनट, आरोप है मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को और लिविंग रिलेशनशिप को मैंने बढ़ावा दिया, संविधान ने बढ़ावा दिया, आपके सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर पत्नी से आपका मन नहीं मिल रहा है तो आप बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल चला सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है? ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, किस आधार पे आप कह सकते हैं गलत? हमारा संविधान में तो इसका मतलब संविधान गलत है, ये लॉ गलत है। आप बोलिए, अगर मैं गलत बोल रही हूँ कुछ तो आप लोग मेरे को क्रॉस कीजिए। ये क्या अधिकार हमने दिया किसी को या आपने दिया? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर आपका मन नहीं मिल रहा है, आपका मेंटल मैच नहीं हो रहा है पति पत्नी के बीच में, और इस परिस्थिति में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर चल रहा है तो ये गलत नहीं है। ये मैं नहीं, हमारा संविधान हमारा लॉ कह रहा है। मतलब बिना तलाक के, मतलब मनीष दुबे यहाँ पे बिना तलाक के कैसे? मतलब अरे भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात हो रही, तलाक की बात हो ही नहीं रही है यहाँ। ये बात लॉ का किया है, हमने लॉ की बात की ना। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप को किसने दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को किसने दिया? हमारे कानून ने दिया। तो इसमें हम, आप और महिला विकास मंच क्या? इस मामले में चार लोग हैं, यानी कि मनीष दुबे, ये सिर्फ सामाजिक तौर पे हम कुचल सकते हैं। मनीष दुबे की जो कानूनी तौर पे, मनीष दुबे की जो वाइफ होगी वो भी, उनका भी इज्जत तार तार हो रहा है। अब वही तो महिला की हो रही है, मनीष दुबे की नहीं, बेचारी उसकी जिंदगी भी जा रही है, उसकी जीवन भी। अभी देखिए, हम महिलाएं हैं संगठन में, सभी बैठे, हम लोग अकेले भी मीटिंग किए इस पे कि क्या क्या स्थिति हो सकता है। हम लोग आप लोगों के लिए एक कोशिश महिला विकास मंच करेगी, हम कोशिश करेंगे ज्योति मौर्या से मिलने का, और वस्तु स्थिति को जानेंगे, उसके बाद आपको जरूर बताएंगे कि क्या रहा होगा, किस परिस्थिति में क्या बदल। देखिए, मिलने जाएगी, एक कोशिश करेंगे, ज्योति समय निकलते ही हम कोशिश करेंगे। उनके पति को समझाएंगे, क्या संदेश देंगे? प्रेम से अरे मेंटल मैच। ये पूरा जो प्रकरण हुआ ये इसलिए तूल पकड़ा कि ये पीसीएस अधिकारी का ये मैटर है। दूसरा, आम महिला देख लो, बहुत सारी है, किसी की नजर नहीं। जहाँ पे कद ऊंचा होगा वहाँ पे उंगलियाँ उठेंगी, जैसे रीना मानवी पे उठती है। जहाँ नाम है वहाँ बदनाम। बिल्कुल, जो जहाँ नाम है आपका कद ऊंचा होगा। आए दिन हम पे गालियाँ पड़ती है ना, गालियाँ भी देते हैं, कैरेक्टर पे भी बोलते हैं। उसी तरह वो एसडीएम थे, इसलिए अगर वो मामूली से स्कूल की कोई क्लर्क रहती, शिक्षिका रहती, या कुछ, चर्चा में ही नहीं आती। गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है,
गलत एक तरीके से भाई, जहाँ महिलाओं का कद ऊंचा होता है तो छींटे बहुत जबरदस्त पड़ते हैं महिलाओं पे और तुरंत तुरंत पड़ते हैं। अभी आप देखिए नेहा सिंह राठौर ने भी इस बात को सहमति दी ना, क्योंकि उनका भी कद ऊंचा हो रहा था तो उनपे भी छींटे बीच में बहुत जबरदस्त पड़े, इधर से पड़े। चाहे अभी देखिए कौन सी महिला ऐसा है जो बिना कष्ट भोगे चली गई। मैं सैकड़ों ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जो हमारे ऊपर के पद पे बैठी हुई हैं और कोई भी बिना कष्ट की नजर नहीं आती हैं। तो हमें पता है ना, हमें पता है, चाहे वो हम नाम नहीं लेंगे लेकिन भी उठा दिया लोग तो भाई बहुत सही हमारा।